जय हिंद दोस्तों। दोस्तों कल यानी 1 फरवरी बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया। एक बार फिर मोदी सरकार ने रक्षा बजट को बढ़ा दिया है। दोस्तों इस बार भारत के रक्षा बजट के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। दोस्तों पिछले साल भारत का रक्षा बजट 5.25 लाख करोड़ रुपये का रहा था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस बार भारत का रक्षा बजट पिछले साल के रक्षा बजट की तुलना में 12.95% अधिक है। दोस्तों इसमें पूंजीगत व्यय के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं, जिनसे नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य साजो सामान की खरीद शामिल है। दोस्तों इसमें रक्षा पेंशन के लिए अलग से 1,38,205 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। पेंशन परिव्यय सहित कुल राजस्व 4,22,162 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। बजट दस्तावेजों के अनुसार रक्षा बजट कुल मिलाकर 5,93,537.64 लाख करोड़ रुपये है। दोस्तों अब बात करते हैं पाकिस्तान और चीन के मुकाबले भारत रक्षा बजट के मामले में कहां खड़ा हुआ है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने 2022-23 के लिए अपना रक्षा बजट 1,52,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपये रखा है, यानी भारत की करेंसी के हिसाब से यह 46,689 करोड़ रुपये के बराबर है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत का रक्षा बजट 5.94 लाख करोड़ रुपये पाकिस्तान के रक्षा बजट से लगभग 13 गुना ज़्यादा है। भारत में सिर्फ रक्षा सेवाओं और प्रशासनिक खर्चों यानी तनख्वाह और पेंशन को ही जोड़ लिया जाए तो यह पाकिस्तान के रक्षा बजट के मुकाबले करीब 9 गुना है। दोस्तों अब बात करते हैं चीन की। दोस्तों चीन का रक्षा बजट हर साल मार्च में आता है। चीनी रक्षा मंत्रालय के लिए पिछले साल कम्युनिस्ट पार्टी ने 1.45 ट्रिलियन युआन यानी भारतीय रुपयों में 18,77,000 करोड़ रुपये खर्च किए थे। यह भारत के मुकाबले रक्षा पर 3 गुना ज़्यादा खर्च है। हालांकि अगर रक्षा बजट में बढ़ोतरी के आंकड़ों को देखा जाए तो भारत ने इस बार अपने रक्षा बजट को 12.95% बढ़ाया है, जबकि चीन ने पिछले साल अपने रक्षा बजट में केवल 7.1% की ही बढ़ोतरी की थी। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कॉमेंट में बताएं। धन्यवाद दोस्तों।